हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की। तो आप सभी को बताना चाहेंगे, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आज हम आपसे बात करेंगे कला कलांतर अर्थात फेज डिफरेंस क्या होता है, और अध्यारोपण का सिद्धांत तो जो आपके फिजिक्स चैप्टर में है उसको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्त, आज के इस वीडियो को लास्ट तक आपको क्लियर देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, पहले आप समझ लेते हैं कि कला या कलांतर क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। देखिए दोस्त, कहते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति की दोनों ओर सरल आवर्त गति करने लगते हैं। सभी कण साम्य स्थिति की दोनों ओर एक ही प्रकार के कंपन करते हैं, परंतु किसी क्षण पास पास के कुछ कणों के विस्थापन और गति की दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो भिन्न भिन्न कण कंपन की भिन्न भिन्न कलाओं में होते हैं। तो ये कला क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए दोस्त, क्या हुआ कि आपका कोई कण है, अगर वो माध्यम के कण क्या होंगे, आपके कंपन करेंगे, तो उनके क्या होंगे, किसी के जो फेज होंगे अर्थात कला होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील तरंग में मूल बिंदु से एक्स दूरी पर स्थित माध्यम में कण, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको प्रगामी तरंग का जो समीकरण था, हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि आपका जो प्रगामी तरंग का समीकरण आता है वो आता है वाई इक्वल टू ए साइन टू पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा। इस चीज़ को हमने वहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाया कि प्रगामी तरंग का समीकरण कितना आता है। तो ये आपका प्रगामी तरंग का समीकरण है। अब इसी में आपको देखना है कि आपका कितना कला है अर्थात फेज है। तो देखिए दोस्त, आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया, वाई का विस्थापन साइन कोणांक अर्थात 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा पर निर्भर करता है। और यहाँ बताया गया कि जो आप ये देख रहे हैं, मूल बिंदु से एक्स दूरी पर स्थित कण की किसी समय टी पर जो कला है या कला कोण कहते हैं, अर्थात जो ये आप इस पॉइंट्स को पूरा देख रहे हैं, ये साइन के साथ जो पूरा एंगल होता है 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा, यही आपका क्या होता है, कला होता है अर्थात फेज होता है। जैसे आप इसे डिनोट करते हैं फाई से, तो फाई इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा, ये आप किसका मान होता है दोस्त, यही आपके फाई कला का मान होता है। आगे हम चलते हैं, कुछ आपको पॉइंट्स और क्लियर करेंगे। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है, वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा। आगे चले तो दोस्त, यहाँ पर दो कंडीशन बनती है कला बदलने की, निम्नांकित दो विधियाँ हैं या दो स्थिति है। पहला आपका है कि जब टी बदले और एक्स ना बदले। देखिए, टी क्या है, टाइम है, एक्स क्या है, विस्थापन है, इन सभी चीज़ों को समझना होगा। एक आपका कलांतर होता है, एक आपका पथांतर होता है, तो इन सभी में क्या संबंध है, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो पहले दोस्त, जब टी बदले या एक्स ना बदले, तो इसमें देखिए, अर्थात एक ही कण दो विभिन्न समयों पर कला ज्ञात कीजिए। एक ही कण है, उसके दो कंडीशन, मतलब एक फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन पर उसका हम कला ज्ञात करते हैं, उसमें क्या डिफरेंट है, इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए, एक ही कण की दो समयों पर कला ज्ञात की जाती है, तो माना एक्स दूरी पर स्थित कण की समय टी वन तथा टी टू पर फेज एंगल जो आपका है, जो फेज है आपका फाई वन व फाई टू है। क्या है, फाई वन व फाई टू है। तो हम यहाँ पर फाई वन निकालेंगे, तो आपको हमने अभी जस्ट फार्मूला क्या बताया दोस्त, फाई इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा। तो सिंपली यहाँ पर आप फाई वन इक्वल टू आप निकालेंगे, तो फाई वन इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी वन अपान कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा। आपका विस्थापन भी वही रहेगा, लेमडा का मान भी वही रहेगा, कैपिटल टी का मान भी वही रहेगा, चेंजिंग किस में होगा, स्मॉल टी वन और आपका स्मॉल टी टू में। ओके, तो आपका यहाँ पर टाइम चेंज होगा, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं टी बदले एक्स ना बदले। ओके, तो सिंपली आपका यहाँ पर हो जाएगा फाई वन इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी वन अपान कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा, ये पहले कंडीशन में होगा। दूसरे कंडीशन में आपका फाई टू इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा। अब हमको क्या चाहिए, अभी आपको हमने बताया फेज, अब आपको बताते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दोस्त, नाम से ही वाकिफ हो रहा है कि आपका दोनों दो फेज है, उनके बीच को अंतर को ही फेज डिफरेंस कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब आप कलांतर जैसा आप देख रहे हैं, जैसा आप यहाँ पर कलांतर देख रहे हैं फेज डिफरेंस, तो यहाँ पर किया गया फाई टू माइनस फाई वन, अर्थात दूसरे फेज को पहले फेज से माइनस कर दिया गया। तो सिंपली आप फाई टू इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। तो सिंपली यहाँ पर आपका ये है 2 पाई टी टू अपान
कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा, और फिर ये आपका फाइव वन का मान यहाँ पर इसको पुटअप करेंगे तो टू पाई स्मॉल टी वन अपान कैपिटल टी माइनस एक्स अपान लेमडा हो जाएगा। और दोस्तों आपका सिंपली यहाँ पर से जब टू पाई आप दोनों में से कामन लेंगे तो ये माइनस एक्स अपान लेमडा ये और ये आपका माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स अपान लेमडा हो जाएगा। तो दोनों माइनस एक्स अपान लेमडा और प्लस एक्स अपान लेमडा दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा दोस्त आपका टू पाई, आप देख लीजिए आपका बचेगा क्या दोस्त, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, ये आएगा डेल्टा फाई इक्वल टू टू पाई टू टी टी टू अपान कैपिटल टी माइनस टी वन अपान कैपिटल टी। कैसे दोस्त, आप देख सकते हैं ये दोनों जैसा आपने बताया कैंसिल हो जाएगा और टू पाई आप कॉमन लेंगे तो इतना ही आपका क्लियर बचेगा। यही आपका क्या होगा, फेज डिफरेंट होगा। आप इसमें से कैपिटल टी को एक बार बाहर ले लीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा दोस्तों डेल्टा फाई इक्वल टू टू पाई अपान कैपिटल टी माइनस टी टू माइनस टी वन। ये आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका टाइम में डिफरेंट आ गया T2 और T1 में कितना, और यहाँ पर आपका फेज डिफरेंस हो गया डेल्टा फाई, और ये 2 पाई अपान टी, टी यहाँ पर क्या है कैपिटल टी, उसका टाइम पीरियड है आवर्तकाल है। तो यहाँ पर क्लियर दिखाया भी गया है, आप देख सकते हैं डेल्टा फाई इक्वल टू टू पाई अपान कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी आ गया। डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल है, और डेल्टा टी इक्वल टू कैपिटल टी, मतलब यहाँ पर कहा गया है यदि डेल्टा टी इक्वल टू कैपिटल टी तो डेल्टा फाई इक्वल टू टू पाई, ठीक है। अर्थात यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जैसे आप इसको बार को निकालना चाहते हैं तो अगर आप जो आपका टाइम है जो आपका डेल्टा टी का स्मॉल डेल्टा टी का मान है अगर उस कैपिटल टी के बराबर है, अगर यहाँ पर कैपिटल टी रखेंगे तो टी टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा क्या डेल्टा फाई इक्वल टू टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि अगर आपका डेल्टा टी का मान कैपिटल टी के बराबर है तो आपका डेल्टा फाई फेज डिफरेंस टू फाई 360 रेडियन आएगा, कितना 360। और आगे बताया गया कि एक आवर्तकाल के पश्चात किसी कण के कप पर की जा रही कला वही हो जाती है जो प्रारंभ में होती है, अर्थात एक जैसे आप एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो वह क्या हुआ आपका एक आवर्तकाल माना जाता है। तो डेल्टा टी इक्वल टू टी बाई टू, तो वहाँ पर डेल्टा फाई का मान कितना आएगा पाई आएगा, वो फेज डिफरेंस कितना होगा 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर 180 यहाँ पर दर्शाया गया, और आधे आवर्तकाल के बाद किसी कण की कब्बर की कला प्रारंभिक कला के विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया, ये चीज़ आपको यहाँ पर दर्शाया गया कि जैसे आप डेल्टा टी इक्वल टू टी बाई टू देख रहे हैं अर्थात आधा आवर्तकाल, जैसा ये आपका ये पूरा गोला है तो इसके यहाँ से आपने चला और यहाँ पर आपने रुक गया तो ये क्या हुआ हाफ हुआ अर्थात टी बाई टू हुआ। तो टी बाई टू की बात करेंगे तो टी बाई टू पर आपका जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा फाई आएगा, अर्थात उसकी अगर आपका जो आपका कंपर करने की कला करके प्रारंभिक जो कला है उसका क्या होगा जस्ट विपरीत होगा, अगर इस टाइप है तो जस्ट 180 डिग्री आपका चेंज होगा। आगे चलते हैं दोस्त, अब आपका अगला पॉइंट है कि जब x बदले तथा t ना बदले, बात इतनी सी है आपको यहाँ पर कालांतर और पथांतर में दोनों चीज़ निकाल कर दिखाऊंगा क्योंकि यही आपका फार्मूला मेन अभी जो आपका क्रिएट होगा उस चीज़ को समझिएगा। अब दोस्त कहते हैं कि दो विभिन्न कणों की कला एक ही समय पर ज्ञात की जाए, जब दो कणों की कला एक ही समय पर ज्ञात की जाए माना समय टी पर एक्स वन दूरी पर स्थित कण की कला फाई वन और एक्स टू दूरी पर स्थित कला कितनी है फाई टू, अर्थात अब आपका क्या है जो दूरी डिस्टेंस है वो चेंज किया गया है, टाइम सेम है और इससे पहले आपका टाइम डिफरेंट था और आपका स्थान क्या था जो डिस्टेंस था वो सेम था, लेकिन यहाँ पर आपका टाइम सेम है और आपका देख रहे हैं दूरी एक्स वन है और दूरी एक्स टू है जो कण है, ओके। तो आपको फेज डिफरेंस का वही फार्मूला लगाना है, फाई इक्वल टू टू पाई स्मॉल टी पर कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्ब्डा, ओके। बस क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप लिखेंगे फाई वन इक्वल टू टू पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी माइनस एक्स वन अपान लिमिटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर स्मॉल टी में कोई चेंज नहीं करना चूंकि टाइम आपका सेम है, अब आपका यहाँ पर जो आपकी दूरी है उसमें चेंजिंग करना है, यहाँ पर आपको एक्स वन लिखना है और दूसरे फाई टू इक्वल टू लिखना है टू पाई स्मॉल टी पर कैपिटल टी माइनस एक्स टू अपान लिमिटर, ओके। तो वहाँ पर एक्स वन और इसमें एक्स टू लिखना है। अब दूसरे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि कलांतर जिसे आप फेज डिफरेंट बोलते हैं फाई टू इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन, ये आपका फेज डिफरेंस होता है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन
हंड्रेड। तो सिंपली यहाँ पर एक बार आप फाइव टू की वैल्यू रखेंगे, एक बार फाइव वन की वैल्यू रखते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो जब यहाँ पर रखेंगे दोस्तों आपका आ जाएगा टू पाई, ये चीज़ आपका आएगा, इसमें से टू पाई आपका ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी ये प्लस है और इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी दोनों हो जाएंगे कैंसिल। आपका बचेगा यहाँ पर टू पाई एक्स वन अपॉन लेमडा माइनस एक्स टू अपॉन लेमडा। आगे दोस्तों आपका क्या बचने वाला है, आप देख सकते हैं डेल्टा फाई इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा एक्स वन माइनस एक्स टू आपका बचेगा और यहाँ पर ये लेमडा आप जब बाहर लेंगे तो इतना बचेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका आ गया डेल्टा फाई इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब आपको ये डेल्टा एक्स क्या है, यही आपका दोस्त पथांतर है, जो कि हम आपको बता रहे थे कि आपकी फार्मूला जो क्रिएट हुआ ये आपका हुआ कलांतर इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेल्टा फाई क्या हुआ, कलांतर हुआ, ठीक है, कला के बीच अंतर हुआ और टू पाई अपॉन लेमडा हुआ। ये लेमडा क्या है, वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्ध्य यहाँ पर है और ये आपका डेल्टा एक्स जो होता है वो आपका पथांतर होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद रखिए, कलांतर इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर, ओके। और अगर यहाँ बात करें दोस्तों कुछ पॉइंट्स की कंडीशन की, तो अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा अर्थात अगर विस्थापन आपका उस तरंगदैर्ध्य के बराबर हो जाता है तो आपका डेल्टा फाई का मान कितना आएगा, टू पाई। सिंपल सी बात है, ये पथांतर जो आपका है ये आपका कितना हो जाएगा, लेमडा अगर है तो लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा फाई का मान कितना आ जाएगा, टू पाई रेडियन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका यही बात किया जाए कि अगर डेल्टा एक्स का मान लेमडा बाई टू है, अगर इस डेल्टा एक्स का मान अर्थात विस्थापन जो है पथांतर आपका लेमडा बाई टू है तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी टू से कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना दोस्त, फाई आपका आ जाएगा, यहाँ पर पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई रेडियन आपका जो आपका फेज डिफरेंस आएगा पाई रेडियन होगा। अर्थात इनका कहने का मतलब कि माध्यम के दोनों कणों के बीच की दूरी अगर लेमडा बाई टू है तो उनके बीच जो फेज डिफरेंट होगा वो आपका पाई होगा, ओके। और क्या हो गया, अर्थात वे कण कंपन के विपरीत दिशा में कंपन करेंगे, अर्थात जो उनका कला होगा वो दोनों क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन में होगा। अब देखिए दोस्त एक पॉइंट और समझ लीजिए, ये प्रकाश तरंग और वेग तरंग ध्वनि तरंग जिसे साउंड वेव और आपका लाइट वेव क्या होता है, कुछ पॉइंट्स है उसके बाद तुरंत चलते हैं आपको बताते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट्स अगर ध्वनि तरंग की बात करें तो दिया है कि ध्वनि तरंग माध्यम के कणों के मध्य दबाव का परिणाम होते हैं और यहाँ पर बताया गया प्रकाश तरंग क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो आपको, और एक पॉइंट्स और हम आपको आगे बताएंगे। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप क्लियर करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपको पता है दोस्त जो ध्वनि तरंगे आपकी ये प्रकाश तरंगे होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। और ये जानते हैं आप दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है स्ट्रेट लाइन में कार्य करती है अर्थात स्ट्रेट लाइन में चलती है। और आगे क्लियर करते हैं तो ये ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों के मध्य दबाव का परिणाम देते हैं। अगले पॉइंट्स की बात करें तो ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। दोस्तों ये आपकी जो ध्वनि तरंगे होती है आप बोलते हैं तो अपने दोस्त से बात करते हैं तो उसको सुनाई देती है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है दोस्त कि अगर आप किसी निर्वात में दो दोस्त बैठ कर बात करेंगे तो आप दोनों एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाएंगे, अर्थात इसे ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम क्या होता है, वायु के कण, ठीक है, जहाँ पर आप बात करते हैं तो उसमें वायु के जो कण होते हैं, जैसे आप बोलते हैं तो एक कण दूसरे कण को भेजता है, आपकी वायु को जो आप बोलते हैं आपकी जो ध्वनि है एक कण से दूसरे ध्वनि की ओर आगे बढ़ती है और आपके दोस्त तक पहुंच जाती है। तो अगर माध्यम के कण उपस्थित ना हो तो आपकी ध्वनि एक दूसरे के पास नहीं पहुँच पाएगी। जैसा कि आप समझ सकते हैं निर्वात में अगर आप बात करेंगे तो आपकी आवाज़ दूसरा लड़का या दूसरा दोस्त आपका नहीं सुन सकता है। तो ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना ये माध्यम के नहीं संचरित नहीं हो सकती है। बट प्रकाश तरंग को संचरण के माध्यम की आवश्यकता, कोई भी इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती है। और बिल्कुल क्लियर है दोस्त, जैसा आपको पता है ये प्रकाश तरंग क्या होती है, सूर्य के द्वारा जब पृथ्वी पर आती है तो कहीं पर अगर इनको निर्वात मिलता है तो उससे भी ये क्रॉस होती हुई चली आती है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी बिना माध्यम के निर्वात में भी चल सकती है प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों की ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अर्थात ये ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है बट प्रकाश तरंगे सदैव अनुप्रस्थ होती है। हमने अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ हमने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। और आपको बताना चाहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं दोस्त इसमें माध्यम के जो कण होते हैं, जो आपके माध्यम के कण होते हैं वो प्रकाश की जो कण
प्रकाश की तरंग है, ठीक है, जो माध्यम के कण हैं उनके क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं उसी डायरेक्शन में, जो प्रकाश की तरंगे हैं और माध्यम के कण एक ही डायरेक्शन में जब चलती हैं तो आपकी क्या होती हैं प्रकाश तरंगे, और के माध्यम के कण एक ही डायरेक्शन में जब होती हैं तो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। लेकिन जो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है वो आपके माध्यम के कण की क्या, वो आपकी 90 डिग्री पर अर्थात उसके अनुप्रस्थ पर कार्य करती है, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे आपकी, ठीक है, ऊपर नीचे अर्थात वो श्रृंग गर्त आपने पढ़ा होगा, श्रृंग गर्त से रिलेटेड हमने आपको बताया था, उस चीज को हमने बताया था कि अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगे आपकी क्या होती है ऊपर नीचे आपकी गति करती है, जो आपका माध्यम के ये है जैसे माध्यम के कण होते हैं वो आपकी प्रकाश तरंग के ऊपर नीचे गति करती है, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी होती है उसी डायरेक्शन में अनुदैर्ध्य कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वायु की ध्वनि में जो आपका NTP पर है अधिकतम वेग कितना हो सकता है, 330 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकता है, लेकिन प्रकाश तरंग आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रकाश तरंग निर्वात और वायु में अधिकतम वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो सकती है। दोस्तों अब चलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की ओर। तो यहाँ पर आपको जैसा दिया है अध्यारोपण का सिद्धांत, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। देखिए प्रिंसिपल आप सुपरपोजिशन की बात करें तो क्या ऐसे पहले समझ सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति या मध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यह समझना है, ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्द में कि तरंग अपने मार्ग में स्थित माध्यम के प्रत्येक कण को साम्य स्थिति से विस्थापित कर देती है, और इससे स्पष्ट है कि यदि किसी माध्यम में दो तरंगे एक साथ संचरित हो तो माध्यम का प्रत्येक कण दोनों ही तरंगों द्वारा एक साथ विस्थापित होगा। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत दोस्त ये कहता है कि माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। तो इस सिद्धांत को ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, कहता क्या है कि माध्यम के प्रत्येक कण का किसी परिणामी विस्थापन, ठीक है, माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के, अर्थात यहाँ पर दो प्रकार के दो तरंग होंगी उनके अलग अलग जो उनमें डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होगा उनका क्या होगा बीजगणितीय योग जब ऐड किया जाएगा तो उनका जो योग होगा वही आपका क्या कहलाएगा, वो परिणामी विस्थापन होगा, और यही आपका कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ऐसा कह सकते हैं कि माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अभी और ये आप क्लियर हो जाएंगे अब इस चीज को देखकर। देखिए यहाँ पर एक तरंग का डिस्प्लेसमेंट ए है और एक तरंग का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बी दर्शाया गया है, ओके। ये डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पर विस्थापन जो है ये दिखाया गया, और ये अब आपने देखा ये दोनों आपका अप था ऊपर था और ये एक ही डायरेक्शन में था, तो आपका क्या हुआ ए प्लस बी दोनों ऐड हो गए और आपका आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया एच इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो गए और आपका आ गया ए प्लस बी। अब देखेंगे आप यहाँ पर ये आपका एक डायरेक्शन में लेकिन इसका क्या है चेंज है, अर्थात ये ऊपर और ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है ये आपकी डायरेक्शन चेंज है। तो इस प्रकार यहाँ पर ए है और ये बी जो डिस्प्लेसमेंट है ये माइनस बी दिखाया गया, तो आपका टोटल जो विस्थापन जो होगा परिणामी, जैसा कि आपको यहाँ पर हमने बताया कि आपको दो यहाँ पर क्या कहा गया दोस्त कि दोनों तरंगों के अलग अलग उत्पन्न विस्थापन का बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग का यहाँ पर ये फर्क है दोस्त प्लस और माइनस कर रहा है, ठीक है। तो बीजगणितीय योग इसलिए यूज किया जाता है कि अगर आपका नीचे है तो वहाँ पर माइनस लगेगा और अगर आपका ऊपर है तो वहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक है, इस चीज को यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो परिणामी विस्थापन आपका क्या है किसी क्षण परिणामी विस्थापन, ये चीज है जो आपका ये आता है ये आपका परिणामी विस्थापन है। तो परिणामी डिस्प्लेसमेंट आप समझ रहे हैं कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर दर्शाया गया तो ये दोनों ऐड किया जाएगा, और अगर आपके डिफरेंट है अर्थात एक ऊपर है और एक नीचे है तो यहाँ पर एक प्लस
माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, चूंकि आपका माइनस बी निगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका एक ए प्लस बी आया, एक ए माइनस बी आया। तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत, यही कहता है कि दोनों का क्या होना चाहिए, किसी परिणामी आपका जो परिणामी विस्थापन आएगा तो वो क्या होना चाहिए, दोनों तरंगों के अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के बीज गणती योग के बराबर होता है। जैसा आप देख सकते हैं बीज गणती योग ही है ए प्लस बी, या आप कहेंगे ये दोनों ऐड ही किए गए लेकिन बी आपका क्या है, माइनस बी है, इसलिए आपका ए माइनस बी आएगा। आशा करते हैं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, आपको इसके कुछ पॉइंट्स की ओर ले चलते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, यह भी कहा गया, जब दो स्पंद पल्स एक ही कला में पहुंचते हैं तो परिणामी विस्थापन दोनों विस्थापनों के योग के बराबर अर्थात ए प्लस बी आता है। अर्थात जब दोनों परिणामी जो विस्थापन होगा, अगर दोनों विस्थापनों के योग तभी बराबर होगा जब एक ही कला में पहुंचते हैं, अर्थात दोनों पॉजिटिव जैसे आप देख रहे हैं। और इसके विपरीत जब एक ही बिंदु पर दो स्पंद विपरीत कला में पहुंचते हैं तो उनका परिणामी विस्थापन क्या होता है, उनके अंतर के बराबर आता है, अर्थात कैपिटल ए इक्वल टू ए माइनस बी आता है। अगर बात करें दोस्त अध्यारोपण के भेद अर्थात काइंड्स ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम की, इसके कुछ पॉइंट्स की, तो कहते हैं कि पहला अगर व्यतिकरण, एक होता है आपका इंटरफेरेंस। ये क्या होता है इंटरफेरेंस कि आपका दोस्तों ये होता है कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित करती हैं तो उसे अध्यारोपण, इस अध्यारोपण उसके अध्यारोपण से व्यतिकरण उत्पन्न होता है। तो आप कह सकते हैं जब समान आवृत्ति अर्थात दो तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति समान हो, ये एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है। जैसा ये क्या है दोस्त, ये अध्यारोपित हो रहे, अध्यारोपण का मतलब है एक आपकी तरंग दूसरे तरंग के ऊपर अध्यारोपित हो जाना, अर्थात वहाँ पर आपकी स्थिर हो जाना। जैसा आप देख रहे ये तरंग इसके ऊपर क्या हो गई, एक तरंग का डिस्प्लेसमेंट दूसरे तरंग के डिस्प्लेसमेंट में विस्थापित हुआ तो आपका ए प्लस बी आ गया। ठीक है, यहां पर भी विस्थापित हुआ है, एक दूसरे पे अध्यारोपित हुआ है, बट यहां पर आपका निगेटिव था इसलिए माइनस हो गया, ए माइनस बी हो गया। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। तो यहां पर कहता है कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है तो उसे क्या कहते हैं, इस अध्यारोपण को व्यतिकरण होता है। और विस्पंद एक होता है जिसे बीट्स कहते हैं। तो इसमें होता है कि जब लगभग समान आवृत्ति की, जब लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है तो इसे विस्पंद कहते हैं, अर्थात बीट्स कहते हैं। तो आप बीट्स में और इंटरफेरेंस में क्या अंतर है दोस्त, कि इसमें समान आवृत्ति की होती है लेकिन इसमें लगभग समान आवृत्ति की तरंगे जो होती है, दो तरंगे एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में चलती है और आपकी क्या होती है, अध्यारोपित होती है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि ये समान आवृत्ति की होती है लेकिन इसमें क्या होता है, लगभग समान, अर्थात थोड़ा इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, फिर जो आपकी आवृत्ति होती है थोड़ा इसमें जो आपका विस्पंद होता है बीट्स में अंतर होता है। तो ये अगर अध्यारोपित होती है तो इस प्रकार को बीट्स कहते हैं। अगर अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, तो जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगे परस्पर विपरीत दिशाओं से, इसमें बताया गया दोस्त कि जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगे परस्पर विपरीत दिशाओं से आकर अध्यारोपित होती है तो उनके अध्यारोपण से अपरगामी तरंगे उत्पन्न होती है। तो यहाँ चीज आपको बताया गया, बीट्स आपने समझा कैसे उत्पन्न होती है। अब अपरगामी तरंग ये होती है कि समान आवृत्ति की भी होगी और समान आयाम की भी होगी, तो अगर ऐसी दो तरंगे परस्पर विपरीत दिशाओं से आकर अध्यारोपित होती हैं तो इस अध्यारोपण को अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगर ऐसा होता है तो इनके अध्यारोपण से, सुपरपोजिशन से आपका क्या होगा, अप्रगामी तरंगे अर्थात स्टेटनरी वेव आपका उत्पन्न होगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपको क्लियर ना हुए दोस्तों, आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं या फिर आप क्या करिए, एक बार बुक्स को भी आप फॉलो करें और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। मैं आशा करता हूँ कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से समझाने की। तो अगर आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए तो एक बार कोशिश करें आप लिख कर अपने से भी पढ़ लें। तो आप क्या होगा दोस्त कि जब आप एक बार लिख कर पढ़ लेंगे तो आपको 100% दोस्त इसका 70-80% पार्ट्स आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के कॉलेज में आपको टेस्ट भी हो रहे होंगे तो आप कोशिश करें इन सब टॉपिक्स को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। मैं आपके लिए वीडियो लगातार फिजिक्स का लाता हूँ। ठीक है, तो आपको अब वीडियो लगातार मिलेगी फिजिक्स के लिए मॉर्निंग में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी आप सभी के कमेंट्स थे कि फिजिक्स की वीडियो लाई जाए, तो इसीलिए अब फिजिक्स की सभी वीडियो अपलोड की जा रही है। और वीडियो अभी तक आपने देखा तो कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखेगा और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सभी वीडियो देख सकते।
सकते हैं, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, या फिर आप मैकेनिक्स का या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सभी वीडियो देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।